आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बनेगा आपको? द पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन की बना है, इसमें से आपको फर्स्ट डिग्री की टर्म जो अपनी है उसको, जैसे 10x, 8y और 16z है, इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, यानी आप ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट करो ताकि जो अपनी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद बने उसमें से अपनी फर्स्ट डिग्री टर्म अपनी कैंसिल आउट हो जाए मेरी, यानी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन की बना है 5x² माइनस 2y² प्लस z² माइनस 10x माइनस 8y माइनस 16z माइनस 7=0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है किस पॉइंट पर ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करूँ ताकि मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसमें से फर्स्ट डिग्री की टर्म कैंसिल आउट हो जाए। देखो, अगर आपको ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे ना तो जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे अपने, ये एक्स वाई जेड को चेंज होकर जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कैपिटल जेड ही आएंगे। कैपिटल एक्स जो होगा वो होगा एक्स माइनस एच, अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है एच कॉमा के कॉमा के पे, एच कॉमा के कॉमा एल पे। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आपने शिफ्ट किया है तो जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x माइनस एच, कैपिटल y की होगी अपनी y माइनस k के बराबर और कैपिटल z की वैल्यू होगी स्मॉल z माइनस l के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू जाएंगे इनकी अपनी, तो अगर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे कैपिटल x y z के, तो बेसिकली आपको यहाँ पर h की और l की वैल्यू बतानी है, यानी किस पॉइंट पर शिफ्ट करूँ सर z, जो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें से अगर यहाँ पर जो नई क्वेश्चन बनेगी अपनी नए कोऑर्डिनेट्स के टर्म में उसमें से मेरी फर्स्ट डिग्री टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो, मेरे को कुछ इस टाइप में बनानी पड़ेगी इक्वेशन को, यहाँ पर x को मैं लिखूंगा x माइनस एच, y को y माइनस c, z को z माइनस l, इस टाइप में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी मैं बता सकता हूँ जो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स में नए सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी। ठीक है, नए सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखो, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाऊंगा मैं, यहाँ पर ये अपना 5x² है और ये माइनस का 10x है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर प्लस का 5 और माइनस का 5 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये अपना इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x² माइनस का 2x प्लस 1 और ये माइनस का 5 बाहर आने दो, तो बेसिकली 5 इंटू ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 5। ठीक है, तो मैंने इसको और इसको कंबाइन करके मैंने ये बना दिया टर्म अपनी पूरी। ठीक है, इसके कुल बन जाएगा मेरा, इसी तरह से मैं इसको ले लेता हूँ 2y² को और माइनस 8y को, तो देखो उसको क्या लिखेंगे हम, ये है माइनस का 2y² और माइनस का 8y है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या करते हैं, माइनस का 8 एंड प्लस का 8 अपन ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूँ। अब माइनस का 2y कॉमन ले, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1 एंड प्लस का 8 इधर बचेगा अपना, तो माइनस 2 इंटू में ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 के बराबर। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट फाइनली अपना इसको ले लेते हैं यहाँ पर अपना जो जेड स्क्वायर है और माइनस 16z है, इन दोनों को कंबाइन करके देखो क्या बनाएंगे अब हम। यहाँ पर कह लिया मैंने जेड स्क्वायर एंड माइनस 16z। ठीक है, ये लिया मैंने, तो अगर प्लस का 64 और माइनस का 64 ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा z माइनस 8 का होल स्क्वायर एंड माइनस 64। ठीक है, सिंपली अपना z माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 64 बन जाएगा अपना ये। तो ये तीन टर्म्स बन गई मेरी यहाँ पर, ये बन गया और ये बन गया, तो उसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन के अंदर मेरा इन सब की जगह पे, और माइनस 7 अपना z इस जाएगा यहाँ पर। तो देखो 5x² माइनस 10x यहाँ पर क्या बना है, 5 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पर बना माइनस 2 इंटू में वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 64 माइनस 7=0। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई अपनी, तो देखो क्या बन गया, 5 इंटू में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी बची अपनी, माइनस 5 और माइनस प्लस का 8 हो गया अपना प्लस का 3 एंड 3, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा माइनस का, और उसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 68 हो जाएगा अपना इक्वल टू 0। अब देखो ये अपनी टर्म कुछ ऐसी बन गई। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये इसको मैं कैपिटल एक्स इक्वल बोलूँ यहाँ से मैं, जो कि अपना एक्स माइनस एच था, तो मतलब एच की वैल्यू तो मेरी 1 आ गई कंपेयर करके, यहाँ पर के की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 1 और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अपनी एल की वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल, तो जो मेरा पॉइंट होगा ना होगा 1 माइनस 1 एंड 8, यानी आप ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट करोगे तो आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे मेरे उसकी इक्वेशन बनेगी मेरी यहाँ पर 5 इंटू कैपिटल x² माइनस 2 इंटू कैपिटल y² प्लस कैपिटल z² माइनस 68=0। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी, इसमें से देखो फर्स्ट डिग्री की टर्म मेरी सब कैंसिल आउट हो गई, तो यानी आप ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएंगे अपनी। ओके।
थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।